रावलपिंडी का इलाका है वेस्ट एच, यहाँ पर मुझसे इन दोनों बच्चों ने रابطہ कायम किया। इनसे बात भी करेंगे और इनकी ख्वाहिशात आप तक पहुँचाएंगे। क्या उम्र थी जब ये आप पैरालाइज हो गई? 7। क्या अब बीमार हो गई थी, क्या हुआ था? पूरी स्टोरी बताइएगा जरा। पट्टे खींचे गए थे। पट्टे आपके खिंच गए थे और आप चलने से महरूम हो गए। 5 बहन भाइयों में से कौन कौन अभी ये इस बीमारी में है? 2 बीमारी। आप और आदिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अहले बैत पर। नाज़रीन, मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। रावलपिंडी का इलाका है वेस्ट एच, यहाँ पर मुझसे इन दोनों बच्चों ने रابطہ कायम किया। इनसे बात भी करेंगे और इनकी ख्वाहिशात आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आदिल मुश्ताक। आदिल, ऊँची बातें बात करने की, क्या करते हैं आप ये तो बताइए पहले। मैं स्कूल पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। और बिटिया का क्या नाम है? अस्मा। अस्मा कौन सी क्लास में बेटा? 9th। आप 9th क्लास में पढ़ती हैं, कौन से अदारे में? गुजारे का स्कूल में। अच्छा अस्मा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि शुरू से ही आप ऐसी हैं या कोई बाद में हुआ था ये हादसा आपके साथ? बाद में हुआ था। क्या उम्र थी जब ये आप पैरालाइज हो गई? 7। क्या अब बीमार हो गई थी, क्या हुआ था? पूरी स्टोरी बताइएगा जरा। पट्टे खींचे गए थे। पट्टे आपके खिंच गए थे और आप चलने से महरूम हो गए थे। सिर्फ टांगों पर ही महरूमी है या कि जिस्म के किसी और हिस्से में भी है? बाजू में भी है। बाजू मूवमेंट है आपकी बाजुओं की? डॉक्टर से रابطہ कायम किया आपके घर वालों ने? जी। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं ऐसे से बीमारी बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। ऐसे से ये बढ़ेगी। आपके खानदान में और भी है? नहीं, और नहीं है। और नहीं है, सिर्फ आपके घर में ही है ये? जी। कितने बहन भाई हैं आप? 5। तो 5 बहन भाइयों में से कौन कौन अभी ये इस बीमारी में है? 2 बीमारी में। आप और आदिल। अच्छा आदिल, आप पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 5। आप 5 में पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ने जाते हैं? जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है तो आप क्या कहेंगे? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। आप फौजी बनना चाहते हैं। आपकी व्हील चेयर भी बड़ी छोटी सी है, मुझे बताया गया था जी आपको व्हील चेयर चाहिए। जी, व्हील चेयर चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह आपकी व्हील चेयर का भी बंदोबस्त हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक दोस्त है हमारे कनाडा से, उन्होंने कुछ रकम भिजवाई थी, वो मैंने इन तक पहुंचा दी है। मज़ीद अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो आप मुझसे रابطہ कायम कीजिएगा। मेरा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। मैं दोनों बच्चों का आपको तारफ़ करवा चुका हूँ, आदिल और अस्मा। अस्मा, देखने वालों को कोई पैगाम देंगी ईद उल अज़हा के मौके पर? सबको ईद की खुशियाँ भरो हमारी। अच्छा माशाल्लाह, अगर कोई बच्चा आप जैसा मजीद आप डिसेबल देखती हैं, कुछ हिम्मत हार जाते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं चाहती हूँ जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया अस्मा, आपका भी और बेटा आदिल आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।